भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। आइए आपको बता दें पहले दिन के खेल में क्या कुछ हुआ। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन आज भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम इंडिया के तीन धाकड़ बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने की, तो वहीं मयंक अग्रवाल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद पुजारा भी कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए, वो भी रबाड़ा की गेंद पर LBW आउट हो गए और शून्य पर लौट गए। दूसरे टेस्ट में 254 रन बनाकर नबाद लौटने वाले विराट कोहली से सबको बड़ी उम्मीदें थी कि आज भी कुछ कारनामा दिखाएंगे, लेकिन वो तो नॉर्थिया की गेंद पर LBW आउट हो गए और 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद मोर्चा संभाला रोहित शर्मा और रहाणे ने। रोहित शर्मा ने शानदार 164 बॉलों में 117 रन बनाए। अपनी इसी पारी में रोहित ने 14 चौके और 4 छक्के भी लगाए, तो रहाणे ने भी 135 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली और 11 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाड़ा ने 2 विकेट चटकाया और नॉर्थिया ने 1 विकेट चटकाया। अब देखना होगा दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ होगा। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।